घंटे से, मतलब 1 घंटा प्लस की फ्लाइट होगी, लेकिन फ्लाइट जिन्होंने ना दिल जीत लिया है। अनाउंसमेंट हो गई कि सीट बेल्ट बांध लो, हम लैंडिंग करने वाले हैं। इतना टाइम नहीं था कि मैं आया था, मैं सिर्फ आपको दिखा। अस्सलामुअलैकुम गाइस, दिस इज़ योर बॉय राहत अली आ रही हूँ। होप गाइस डूइंग वेल, वेलकम टू एन अदर ब्लॉग। सो फाइनली हम पहुँच गए एयरपोर्ट और कुछ देर में फ्लाइट स्क्वायर सारा वहाँ पे आ गया। भाई नासी ने यहाँ पे ड्रॉप किया है, पिछली बार आया था तभी भाई नासी ने ड्रॉप किया था यहीं। यही टाइमिंग थी और मुझे तो लग रहा है एयर बस भी यही थी। तो बस थोड़ी देर में फ्लाइट है, सो अभी अंदर चले। डिपार्चर जो है वो ऑन हो गया है, जो बाकी जो क्रू मेम्बर्स थे ना वो बहुत जल्दी आ गए थे और मेरी ये थी नींद भी पूरी हो गई थोड़ी सी। सो अभी चले, डिपार्चर का टाइम हो गया और अंदर चलते हैं। फाइनली अंदर आ गए। अब यहाँ से जो हमारा सामान वगैरह चेक होगा वो यहाँ से होगा। हाँ सो फाइनली बोर्डिंग वगैरह होगी, बोर्डिंग पास हमें मिल गए ये रहे, और अभी जा रहे हैं वहाँ पे वेट करना है। पिछली बार जब मैं गया था ना मुझे पता ही नहीं था, मैं यहाँ पे आके बैठ गया था, इतनी देर यहाँ पे बैठा रहा, फिर पता चला कि भैया आप लोगों ने आगे जाना है। तो अभी यहाँ पे जाएंगे स्लाइड से, मतलब 5 मिनट या 7 मिनट लगेंगे हमें वॉकिंग डिस्टेंस पे, उसके बाद फिर वहाँ पर वेट करेंगे। पीछे चार्ज लगे हुए और सब पे एक ही है क्या? अच्छा, यहाँ से पैदल। अच्छा, बोर्डिंग पास वगैरह ले लिए हैं और अभी जा रहे हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। मतलब कि आधा घंटा रह जाएगा, अभी है 1 घंटा है तकरीबन, 1 घंटा है, 1 घंटा 10 मिनट है, और वहाँ से अभी पैदल आना पड़ता है। उसके बाद ये लिफ्ट भी चलती है इस तरफ, अगर आपको मतलब कि लिफ्ट पे आना है तो आप लिफ्ट पे आ जाएँ, वरना आप पैदल भी आ सकते हैं। अच्छा, ये सब लोग चले गए उस तरफ और मुझे जाना पड़ रहा है वापसी, क्योंकि मेरे बैग में निकली है सीज़र अलाव नहीं है। तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर क्यों छोड़ के जाऊँ, मैं वहाँ पर नीचे जमा कराऊँगा तो वापस वहाँ पर जाके लूँगा। तो अब वहाँ पे नीचे जाके जमा करानी है, अगर मुझे यहाँ पे मैं दे देता ना तो फिर तो नहीं मिलनी थी, पर मुझे चाहिए वहाँ से, मैं कहाँ से लूँगा इस्लामाबाद से सीज़र। तो मैं अपने नीचे वाले बैग में जमा कराऊँगा, तो वहाँ पे जाके ले लूँगा। यार एक इशू हो गया, अभी मैं जा रहा था ना, खैर इशू बाद में बताता हूँ, पहले बताता हूँ। उमर गुल मिला था अभी, तो फिर मैंने कहा कि भाई सर एक सेल्फ़ी हो जाए, तो उन्होंने कहा सेल्फ़ी ली, उसके बाद हो गया डन। अच्छा, तो फाइनली मैं आपको कहानी समझाता हूँ। यार मेरे बैग में निकल गई थी सीज़र, अब सीज़र ऐसी चीज़ है ना जहाज़ में अलाउ नहीं है। दोनों ने कहा कि नीचे जो बैग जाते हैं ना वो पीछे जहाँ से हम टिकट देते हैं ना वहाँ से देने पड़ते हैं। तो मैं वापस गया, वहाँ पे जा रहा था तो उमर गुल मिल गया, तो वहाँ पर उसका सेल्फी मिली, वापस गया। अब कैंची की वजह से ना पूरा बैग मुझे नीचे रखना पड़ा, अब मुझे सीज़र चाहिए थी, अगर मैं इसको छोड़ देता वहाँ से कहाँ से ढूंढता, पता नहीं मिलती ना मिलती। सारा बैग उसमें जो ज़रूरी सामान थे ना कुछ उसमें से ज़रूर निकलेगा। पिछली बार जब मैंने ट्रैवल किया था ना, वो बड़े वाले बैग भी खोल के चेक करते, पता नहीं क्या वो खुला हुआ था, तो वो उसमें तो ताला भी नहीं लगा हुआ, वो स्कूल बैग है उसमें परफ्यूम वगैरह ऐसी चीज़ें, कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा, क्या पता ना निकले। तो अब चल के देखते हैं, पीछे हमारा जहाज़ फ्लाई जेट और ये रेडी है, फ्यूल फिल हो रहा है यहाँ से ना, इसके ना विंग्स में फ्यूल होता है, ये मैंने कल ही वीडियो देखी थी। तो इसके विंग्स में पाइप लगे हैं, फ्यूल फिल हो रहा है, बस फ्यूल फिल हो उसके बाद डिपार्चर की कॉल आएगी और फिर हम जाके जहाज़ में बैठेंगे। कुछ स्क्वाड इधर बैठा हुआ है, कुछ स्क्वाड इधर बैठा हुआ है, और चल के मिलते हैं स्कर्टू में। चेकिंग तो हो गई, यहाँ से जो निकलेगा, ये देखिए हमारे बैग है ना वो जहाज़ के पिछले हिस्से में रखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस जगह पे रखे जाते हैं। अब यहाँ से कुछ भी निकल जाए यहाँ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो ये सीन है। और ये कार्गो होती है, इस बार इस पर सफ़र कर रहे हैं, पिछली बार गया था वो PIA पे गया था, PIA का सफ़र अच्छा था, बीच में हिला था थोड़ा सा, देखते हैं। अच्छा, पिछले एक्सपीरियंस को इस एक्सपीरियंस को हम मैच करेंगे, पहले इसमें सफ़र करेंगे। पिछला एक्सपीरियंस था उसमें आगे जाके जहाज़ मतलब 1 घंटा प्लस जब टाइम हो गया था ना, 1 घंटा 42 मिनट की फ्लाइट थी, उसमें थोड़ा वाइब्रेट गया था, हिल गया था पूरा, पता नहीं हवा तेज़ थी, विंड प्रेशर था या क्या था। तो अब इसमें चेक कर देंगे ऐसा कोई सीन होता है या चिल सीन है। सो फाइनली बोर्डिंग वगैरह हो गया, बोर्डिंग पास मिल गए और सामने हमारा जहाज़ खड़ा, हम जा रहे हैं फ्लाई जेट में, और फ्लाई जेट है, फ्लाई जेट है, और इस तरफ है सिरीन एयरलाइन, पिछली बार हम गए थे उसमें PIA में। सो ये शश के होते हैं यहाँ के, कोई फ्लाइट आ रही है, आवाज़ आ रही है। सो फाइनली यहाँ से जो गुजरने का मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है, अगर आपका पासवर्ड हो और पासवर्ड वाले तो शश के अलग होते हैं। अच्छा, ये हमारा जेट है और ये ऐसे ही ना, पिछली बार PIA, पिछली बार हम गए थे PIA में। सो अभी चलते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं।
सो फाइनली अंदर आ गए। 18 हमारी जो सीट नंबर है वो 18 है। आप सीट ढूंढे हैं और वहाँ पे बैठे हैं। अब साइम की अलग लगी है, वो पीछे बैठा है और हमारी उस तरफ है। सबकी डिफरेंस हो गई है, मतलब आगे पीछे कराने का ना ये नुकसान होता है, अगर सारे एक साथ कराते हैं ना तो मतलब प्लेन ही अलग अलग बनते हैं सब। 18 बोर्डिंग में मैंने बोला नहीं, अगर बोल रहा ना बोर्डिंग में तो यार विंडो से नहीं जाने दी, मतलब कैसा मिस कर सकता है राहत। मेरा जहाज है ना उससे ज्यादा क्लीन है, मतलब ये का इतने शश के नहीं रहना, इतना साफ था। इसकी विंडो थोड़ी सी छोटी लग रही है, बराए रास्त रास्ता कर सकते हैं। I'm here with Captain Nadeem Kayani. Would like to welcome you aboard this flight on the Airbus 320 flight 670 to Islamabad. We're just doing our final preparation in the flight deck. We should be ready for push and start in a couple minutes. It's a very short taxi after push departure from our runway 25, right turn out after departure climbing to 37,000 feet. We're expecting good weather en route today. And expected flight time is 1 hour 40 minutes. Islamabad's temperature at the moment is 30 degrees Celsius. And I'll give you an update before we commence our descent into Islamabad. For now, please sit back, relax, enjoy your flight. We have our lovely team at the back to look after your comfort and safety. Thank you. चलो भाई टाइम हो गया, सबने सीट बेल्ट लगा ली है और हम लोगों ने भी लगा लिया है, बस सीट बेल्ट लगा बेल्ट लग गया और बाकी 5 मिनट रहेंगे, 5 मिनट बाद इंशाल्लाह फ्लाइट स्टार्ट होगी। सीन क्या हुआ यार, इसमें विंडो सीट है ना वो मिली नहीं और विंडो इसकी इतनी सी होती है और इसमें से एक ही बंदा जैसे देख सकते हैं। सो रेडी हो गया है, बस सब प्रेशर जो है ना वो बन रहा है, वेट कर रहे हैं। वैसे जो फ्लाइट है ना वो 2-3 से 4 मिनट लेट हो गई और बस फ्लाइंग के लिए रेडी है। जो मैंने पिछली बार बताया था ना, जो मज़ा आता है ना बस फ्लाइंग में आता है, जब ये भाग गया ना बस इसके पैसे होते हैं सारे, उसके बाद तो पता ही नहीं चलता। सो फाइनली चलना स्टार्ट हो गया जहाज और बस ऐसे ऐसे चल रहा है ना, बस यहीं से एक स्पीड मारेगा और बस उड़ेगा। तो ये प्राइवेट जेट है, ये मैंने पिछली बार भी देखे थे और इस बार भी देखे हैं, यहाँ पे अक्सर खड़े होते हैं। सो अभी ये चलता चलता ऐसे ऐसे रनवे तक जाएगा, रनवे के बाद फिर जो ऐसी फ्लाइंग होगी ना वो होगी, मतलब कि फाइनल फ्लाइंग रनवे तक जाके बस 2 मिनट में फ्लाइंग स्टार्ट हो जाएगी। पता ही नहीं चलता। हम मतलब बस लोग
फाइनली खाना आ गया है। 50 मिनट की जो फ्लाइट है ना वो हो गई है। अभी तक की फ्लाइट तो बड़ी स्मूथ रही है, अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और खाना आ गया, पहले सबसे हम पानी पिएंगे, पानी पिए उसके बाद देखेंगे इसमें क्या है। पानी पी लिए, अभी हम ट्राई करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। इसमें पेज लगा हुआ है, नहीं हमारे नाम का नहीं है, मैं समझा मेरे नाम का है। चिकन फजीता है, इसमें पनीर और साथ में एक टिश्यू पेपर दिया हुआ है। तो अच्छी पैकेजिंग में गरम गरम लग रहा है, तो इसको खोलें। जो पीआई में मिला था हमें बॉक्स मिला था, उसमें एक बिस्किट था और पिज़्ज़ा था, पिज़्ज़ा का पीस था, पिज़्ज़ा जिससे उसका एक सैंडविच टाइप होता है वो था। और इसमें हमें मिला है ये सैंडविच टाइप फजीता है, चिकन फजीता, तो इसको खोलते हैं और ट्राई करते हैं। ट्राई करते हैं, देखें कैसा है। वैसे देखने में अच्छा है और इस वैसे ही लग रहा है, तो चेक करके देखते हैं कैसा है। अच्छा जी, ब्रेकफास्ट जो था ना वो तो हो गया। उसके बाद ये थी कॉफ़ी, कॉफ़ी और टी, मतलब ये बैठ थी 100 रुपीज़ की ओनली 100। पानी की बोतल आई थी 200 ही थी। फर्स्ट टाइम जो हमें मिली थी ना ये खाने के साथ, एक पानी की बोतल और एक वो जो सैंडविच ये फ्री था। और उसके बाद अब अगर चाय वगैरह पीनी है ना, कॉफ़ी वगैरह, तो ये पेड़ है 100 का कप है। मतलब इतनी ऊपर वो चाय में बैठ के, मतलब आप कॉफ़ी मिस तो नहीं कर सकते। तो हमने भी पी, कॉफ़ी पी है, कॉफ़ी बना लो या चाय, तो हम इसमें दूध डालेंगे और इसको चाय बनाएंगे। चाय बना के देन पीएंगे। इसमें जो पत्ती यूज़ हुई है ना वो टपाल दाने का रही है, तो टपाल तो फिर टपाल है ना। फाइनली हम पहुँच गए वॉशरूम में, ये वॉशरूम है। और अनाउंसमेंट हो गई कि सीट बेल्ट बांध लो, हम लैंडिंग करने वाले हैं। इतना टाइम नहीं था कि मैं आता, मैं सिर्फ आपको दिखाने आया हूँ। ये सीन होता है, उधर पानी भी नहीं है, पता नहीं क्या कैसे यूज़ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने पीआईए का ये खोला था, इसमें से पानी नहीं आया था, इसमें से भी नहीं आ रहा, मुझे चलाना नहीं आता असल में ना। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रेस करने से आता है, सही सही। ये पता नहीं क्या ठंडे गर्म का है, पता नहीं क्या है, ये हैंड वॉश है और ख़त्म हो गया पानी। अच्छा, वन प्रेस पे जितना आए आई थिंक इतना ही आता है। और इस तरह भी ये टिश्यू पेपर का डब्बा, अरे ऑटो आएंगे। लेडीज एंड जेंट्स, बॉयज एंड गर्ल्स, वंस अगेन फ्रॉम द फ्लाइट डेक, वी फ्रॉम द सन इन इस्लामाबाद एंड लैंडिंग का टाइम आ गया, निकल अराइवल 9 AM लोकल टाइम, व्हिच इज अबाउट 20 मिनट्स। पायलट कह रहा है भाई जल्दी जाके सीट पे बैठ जाओ, अभी लैंडिंग होने वाली है। सो अभी बहुत जल्दी चलेगा और मैं जाऊं सीधा अपनी सीट पे बैठूं। और इससे पहले कि हम लैंडिंग की तरफ जाएं और जाके पहले इतना छोटा सा वॉशरूम होता है, कैमरे का फ्रेम ही पूरा नहीं आ रहा है। और ये लॉक अनलॉक का बटन होता है, ये लॉक अनलॉक का बटन, और खड़े होने की जगह है। ये का भी इतना ही था, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा होगा या नहीं सही मुझे पता नहीं है। तो ये सीन है, तो अभी चलते हैं और चल के मिलते हैं अपनी सीट पे। सामने वाली डिशेस के नीचे रखे अपने ज़ाती सामान को चेक कर लें। अगर आप खिड़की के पास वाली डिशेस पर बैठे हुए हैं तो बराए मेहरबानी खिड़कियों के पर्दे उठा दें, अपनी डिशेस को मामूल के मुताबिक आपकी हाल चेक कर लें। डिशेस की हथी नीचे कर दें, ट्रे को अंदर रख दें और डिशेस की पेटी को अच्छी तरह। ठहर नहीं जाता और नशेस की पेटी बांधे रहने का इशारा बंद नहीं हो जाता, नशेस बरकरार रखे।
तैयार होने से पहले अपने तमाम जाती सामान को साथ ले, मुकम्मल एहतियात से अपना बालाई खाना खोले, परवाज के दौरान सामान इधर उधर मुंतकिल हो सके। सो फाइनली हम पहुँच गए हैं इस्लामाबाद, पहुँच गए। बहुत अच्छी फ्लाइट है, फ्लाइट जितना का एक्सपीरियंस है ना, मतलब यही मैं दो तीन दफ़ा, मतलब वो मज़ा ही आया जो मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया से ट्रैवल किया है। यार अगर इनको नंबर देना तो 10 out of 10, मतलब मज़ा आ गया। और कैसी रही? तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। और सामने ये जब खड़ा हुआ है ना तैयारा, ये जाता है स्कर्दू, मतलब कि अब इसका सफ़र करना है, इसका रह गया, इसको भी इंशाल्लाह जल्दी ट्राई करेंगे। इसकी जो राइड है ना वो राइड ही अलग है, तो इसके भी चेक करेंगे। फाइनली यहाँ पे सेकंड टाइम लैंडिंग है, पहले भी आया था, और अभी मतलब 10 out of 10 फ्लाइट जीना को। और इंशाल्लाह अब सामान ले लें, उसके बाद मिलते हैं। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं और यहाँ से हमारा सामान का वेट कर रहे हैं, और सामान है उसको लेके निकलते हैं। तो मैंने कोशिश की कि इस ब्लॉग में सब कुछ शेयर। सो फाइनली बैग हमारे जो थे वो टोटल आ गए, और अब मैं इसको चेक करूँगा कि इसमें से क्या क्या निकाला गया है, देखते हैं अगर चीज़ें पूरी हैं या कुछ निकाला है। फाइनली मैंने कोशिश की कि इस ब्लॉग में यार सारी जहाज़ की जो भी चीज़ें थी ना ये सब कवर करूं, और ये सब कवर हो गई। फाइनली यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं। ये था रिव्यू, और मेरी तरफ से 10 out of 9.999 तो अच्छा रिव्यू रहा। सो फाइनली ये था इसका ब्लॉग। चैनल बनाया तो भाई सब्सक्राइब कर ले, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।